छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए सिर्फ 6 दिनों का समय बचा है। ऐसे में कोरिया जिले की धान खरीदी केंद्रों में कई समितियों ने अब टोकन काटना बंद कर दिया है। धान बेचने के लिए टोकन ना मिलने के चलते किसानों को खाली हाथ बीरंग वापस लौटना पड़ रहा है। मामले को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कोरिया कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। दरअसल जिले के 22 धान खरीदी केंद्रों के लिए रोज के हिसाब से अलग अलग लिमिट तय की गई है। इसके तहत किसान एक दिन में तय मात्रा से ज्यादा की खरीदी नहीं कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जनवरी के आखिरी दिन तक टोकन काट दिया है। बता दें कि राज्य में 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक धान खरीदी की जानी है। ऐसे में अब भी काफी किसानों से धान खरीदी बाकी है। किसानों का धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिलने के चलते अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की है। प्रशासन का जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार जो कोरिया ज़िले में जो टोटल खरीदी होनी है वो लगभग 1,13,000 हमारे यहाँ मेट्रिक टन की होनी है। उसके अनुरूप जो है हमारे पास अभी तक का जो कुल उपार्जन हो गया है वो लगभग 1,01,00,000 हमारा क्रॉस कर चुका है। अभी 5 दिन की जो खरीदी है वो शेष बची हुई है। उसके अनुरूप जो हमारा टोकन जो है वो काफ़ी समिति में 31 जून तक कट चुके हैं। तो जो हमारी निर्धारित लिमिट है उसके अनुसार ही वहाँ पर टोकन जो है काटा जा रहा है। यदि उसके बाद भी कहीं पर कुछ इशू आ रहा है, यदि कुछ किसान वंचित रह पा रहे हैं तो हम देखेंगे, उसमें अभी पूरा उसका अवलोकन करेंगे। यदि आवश्यकता होगी तो निर्धारित रूप से वहाँ पर हम लिमिट जो है बढ़ाएंगे। आज जो अपने कोरिया ज़िले में धान खरीदी हो रही है 19 तारीख से केंद्रों में टोकन काटना बंद कर दिए हैं और उनको ये उनका ये कहना है कि हमारा लिमिट पूरा हो गया है। जबकि छत्तीसगढ़ शासन में अभी जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने घोषणा पत्र में 21 क्विंटल धान खरीदी के लिए अपनी घोषणा में रखा था और उन्होंने निर्देश भी दिया है कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदा जाए। हमारे बहुत से किसान जो है वो आज तक धान नहीं बेच पाए हैं और समितियों के चक्कर लगा रहे हैं। उनको नाम एक रजिस्टर में एंट्री कर लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शासन द्वारा यदि डेट बढ़ाया जाएगा या लिमिट बढ़ाई जाएगी तब हम